दिल्ली से धर्मवीर की कॉल है, सुनते हैं उन्होंने क्या सवाल पूछना है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार धर्मवीर जी, सवाल पूछिए। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछिए। वंदे मातरम, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एटीएम में एक फ्रॉड हुआ, तो बेचारा वो आदमी फ्रॉड होने के बाद परेशान हो गया, क्या करे। उसने सब कुछ कर लिया पर उसने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी। पुलिस की कंप्लेंट मैंने ही करवाई। पुलिस ने उसकी कंप्लेंट में ये लिखा कि फ्रॉड हुआ जो एटीएम के अंदर, पर फ्रॉड की जगह उन्होंने ये लिखा कि मेरी राइट पैंट की राइट जेब से मेरे पैसे डालते समय गिर गए। कोर्ट केस में भी गया, वहां बेचारे ने सिलेंडर कर दिया, कहता जी मुझे केस आ जाए, कुछ नहीं करना। जब पुलिस वाले ने हेल्प नहीं करी तो इसके लिए हमें आगे कहां कार्रवाई के लिए जाना चाहिए? ऐसे बहुत फ्रॉड होते हैं। कोई साइबर क्राइम ब्रांच हो या वहां। धर्मवीर जी नमस्कार। आजकल जो एटीएम फ्रॉड होता है, सभी बैंक्स ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत गाइडलाइंस तो काफ़ी उन्होंने प्रमोशन किया है। वो बार बार मेल भेजते रहते हैं, जहां भी एटीएम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं वहां भी बड़े बड़े बोल्ड बिल्स लगे होते हैं। जैसे ही एटीएम फ्रॉड होता है उसके तुरंत ही बैंक्स का नंबर होता है, टोल फ्री नंबर होता है, आप उस बैंक को इन्फॉर्म करिएगा। ये सबसे पहले बात ये की जाती है। दूसरी बात ये की जाती है कि आज आपको थाने में, पुलिस थाने में जाने की जरूरत नहीं है कंप्लेंट लिखाने की। आप जो है उसके साइबर के द्वारा उसको आप कंप्लेंट उसके एफआईआर लिख सकते हैं। अभी जो सरकार ने जो बिल लाई है उसमें तो जीरो एफआईआर का भी प्रावधान है उसके अंदर। तो आप उसको दिल्ली पुलिस, आपको कि आप बता रहे हैं आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ कंप्लेंट लिख दीजिएगा। उस कंप्लेंट में तो आपका किसी भी पुलिस से, कांस्टेबल से या सब इंस्पेक्टर से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। आप अपने आप ही उसमें जो आप लिखते हैं वो उसमें रजिस्टर हो जाता है और वो कंप्लेंट तुरंत कर दीजिए। और उसके बाद वो EOEW की या दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है, वहाँ कंप्लेंट कर दीजिए या फिर लिखा दीजिए। उसके वो कंप्लेंट जो है वो आप बैंक को तुरंत दे दीजिएगा। उसके तीसरी बात ये कि वो अपना जो आपका जो क्रेडिट डेबिट कार्ड होता है जिससे पैसे निकालते हैं उसको आप बंद कर दीजिए, तुरंत ब्लॉक करा दीजिए बैंक को, जो बैंक के नंबर वहां लिखे होते हैं। तीन चीज कर, अगर फिर भी आपका कुछ सलूशन नहीं निकलता है तो आप ओमर्समैन के पास, बैंक के ओमर्समैन के जाइए, वो आपकी कंप्लेंट जो है 30 दिन के अंदर आपकी सोल्यूशन देगा, रिजॉल्व करेगा, आपको जवाब देगा।